आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, दलित साहित्य की आवाज, बयान टीवी। सभा में उपस्थित सभी सोसाइटी के मेंबर्स, आप सभी को जाटव समाज की स्वर्ण जयंती हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और मैं ये चाहती हूँ कि सब दिल से इसका स्वागत करें। मैंने अपने कुछ विचार इस किताब में लिखे हैं। इस वर्ष हम अपनी सोसाइटी की 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती के आधार पर मना रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। 5 सदस्य द्वारा चली यह सोसाइटी आज संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। हमारा अपना 3 मंजिला भवन गुड़ियाई मोहल्ले में शोभा पा रहा है। आज हमारी सोसाइटी में 450 सदस्य हैं जो समय समय पर ऋण लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सोसाइटी के 3 लाख का ऋण देने में सक्षम है। सभी सदस्य इसका लाभ उठा रहे हैं। 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। जाटव समाज के सदस्यों को सोसाइटी एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। हम सब छोटे छोटे ऋण लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। सोसाइटी मात्र 12% ब्याज पर ऋण देती है। जाटव समाज सोसाइटी के सभी सदस्यों का सहयोग सोसाइटी को सुचारू रूप में से चलाने में सफलता प्रदान देता है। श्रीमान रामकिशन केन जी ने अपना संपूर्ण जीवन इस सोसाइटी के नाम को दिया है। सभी कार्य समय समय पर करने की हिम्मत रखते हैं। इससे उनकी कार्यकुशलता एवं समयबद्धता का पता चलता है। श्री रामकिशन केन जी के विश्वास पर इस सोसाइटी को चलाया जा सकता है। ईमानदारी और कर्मठता उनके जीवन का विशेष उद्देश्य है। दृढ़ निष्ठता से प्रत्येक काम को सफलता से करना उनकी विशेषता है। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य सोसाइटी को उच्च स्तर पर ले जाना है और यह कार्य उन्होंने भलीभांति किया भी है। आज सोसाइटी उन्हीं के कारण बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से हल कर लेती है। सभी का मार्गदर्शन करते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। एक पथ प्रदर्शक बनकर सभी का साथ देते हैं। हमारी सोसाइटी को अनेक बार दिल्ली सरकार सोसाइटी से सम्मान भी मिला है। यह सोसाइटी की सफलता को दर्शाता है। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि हम प्रतिवर्ष ऑडिट करते हैं। 50 वर्ष के दौरान हमारी जाटव सोसाइटी ने किसी से ऋण नहीं लिया और अपने बलबूते पर सोसाइटी के सदस्यों को ऋण देती चली आ रही है। कुछ सदस्यों का उद्देश्य सीमित लाभ उठाना होता है। 2017-18 में इस बात को गंभीरता से विचार किया गया तो आम सभा की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि जो सदस्य ऋण नहीं लेते हैं वह अनिवार्य राशि जमा नहीं करते हैं, ऐसे सदस्य को सोसाइटी में रखना व्यर्थ है। अतः एक पत्र में श्री रामकिशन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो हमारी सोसाइटी के माध्यम से सदस्यों को पत्र भेजे गए, परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो कार्यकारिणी ने एक परिपत्र तैयार किया कि आप सभी सदस्यों को सोसाइटी से त्याग पत्र दे देना चाहिए। इस आधार पर सोसाइटी के 30 सदस्यों ने अपनी राशि वापस लेकर सोसाइटी से त्याग पत्र ले लिया। वर्ष 2018-19 में सोसाइटी को हानि तो हुई लेकिन हमारे पास लाखों रुपए एकत्रित हुए जो हमने बैंक में जमा कर लिए। जब सोसाइटी ने 3 लाख रुपये 12% ऋण देना आरम्भ किया तो सदस्यों को ऋण लेने की इच्छा भी हुई, तब सोसाइटी ने उनकी क्षमता के अनुसार उनको ऋण भी दिया। सोसाइटी के लिए गौरव की बात यह है कि जब किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो सोसाइटी उसे 40,000 रुपये देकर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यदि सदस्य पर ऋण की राशि है तो 40,000 रुपये में जमा कर शेष राशि परिवार के सदस्यों को जमानती से वसूल कर लिए जाते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त सोसाइटी में एक मार्बल पत्थर लगाया गया है जो स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में है, जिस पर सोसाइटी की प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के नाम लिखे हैं। सदस्यों को अवगत कराने के लिए बैनर लगाए गए हैं, जैसा कि गीता वर्ग में चारों तरफ आप देख रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हम सब मिलकर इस सोसाइटी की 50वीं वर्षगांठ को बड़े धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद। बयान टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें।